हेलो दोस्तों, आज हम यूपी ट्रिपल एससी जेई सिविल इंजीनियरिंग के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 5 करेंगे। ये क्वेश्चंस आपके एसएससी जेई, यूपी पीसीएल जेई, छत्तीसगढ़ व्यापम, एमपी व्यापम, मेट्रो जेई व ऑल एजेई एग्जाम्स के लिए जरूरी है। और जिस दोस्त ने हमारे बाकी के पार्ट नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकता है। प्लीज आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, द रिकमेंडेड केम्बर फॉर वॉटर बॉन्ड मैकेडम रोल्ड इज। यहां पर पूछा है आपकी जो वॉटर बॉन्ड मैकेडम सड़क होती है उसके लिए कितना केम्बर लिया जाता है। इन प्रश्नों के साथ साथ हम इनसे संबंधित तकरीबन 10-12 क्वेश्चन करके चलेंगे। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा, 35 से लेकर 40 तक। इस पैराग्राफ से आपके काफी क्वेश्चन निकल कर आएंगे। सड़क निर्माण यानी रोड कंस्ट्रक्शन की वॉटर बॉन्ड मैकेडम जो है एक बहुत ही प्रचलित विधि है। इसका विकास सबसे पहले स्कॉटिश इंजीनियर मैकेडम ने किया था। जॉन मैकेडम ये कहाँ थे, इंग्लैंड में, सर्वेयर ऑफ जनरल। अगर आपसे पूछा जाए वॉटर बॉन्ड मैकेडम की परिभाषा क्या है, पत्थर के टूटे हुए यानी ब्रोकन स्टोन, अनियमित टुकड़े, इरेगुलर जो भी टुकड़े होंगे एक दूसरे से सटाकर तथा रोलिंग करके एक पिंड के रूप में बांधने को वॉटर बॉन्ड मैकेडम कहते हैं। वॉटर बॉन्ड मैकेडम रोड की मोटाई यातायात की सघनता के अनुसार 8 सेंटीमीटर से लेके 30 सेंटीमीटर तक रखी जाती है। वॉटर बॉन्ड मैकेडम में सड़क की गिट्टी का मुख्य स्थान है पत्थर के 20 mm से 90 mm माप के टुकड़ों को गिट्टी या रोड मेटल कहते हैं। इसे ही मैकेडम के नाम से जाना जाता है। फिर आपका लास्ट पॉइंट है, रोलिंग करते समय पानी के स्थान पर जब बिटुमिन अथवा कोल तार का यूज किया जाता है तो इसे बिटुमिन मैकेडम व टार मैकेडम भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, केम्बर इन द रोल्ड इज प्रोवाइडेड फॉर। पूछा है रोल्ड में केम्बर क्यों प्रोवाइड किया जाता है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, इफेक्टिव ड्रेनेज के लिए या काउंटेक्टिंग ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के लिए या हैविंग प्रॉपर साइड डिस्टेंस के लिए या फिर ऑल द अबोव। रोल्ड में केम्बर दिया जाता है इफेक्टिव ड्रेनेज के लिए, ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। यहां पर हम कुछ और पॉइंट कवर कर चलेंगे। सड़क में केम्बर वर्षा जल जो भी आपके बारिश का पानी होता है उसके फ्लो के लिए दिया जाता है, इसलिए इसका मान सड़क की सतह यानी सड़क की जो सरफेस होती है और एरिया में वर्षा की तीव्रता को ध्यान में रखकर फिक्स किया जाता है। आपकी जो भी पक्की सड़कें होती हैं उनके बीच का भाग किनारों की तुलना में कुछ ऊंचा रखा जाता है, अर्थात सड़क सतह को मध्य से किनारों की ओर ढाल दी जाती है। इसे सड़क का उभार यानी केम्बर, मध्य उठान या लेटरल स्लोप या केम्बर कहा जाता है। ये इसके उपनाम है, ये भी आपको याद रखने होंगे। इनसे भी आपके काफी क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं। सड़क में केम्बर वर्षा जल को सड़क सतह से दूर ले जाने के लिए दिया जाता है ताकि आपकी रोड सूखी रहे और इस पर फिसलन ना रहे। केम्बर के कारण वर्षा जल बीच से किनारों की तरफ बह जाता है। अगला पॉइंट और इसमें दे रखा है, सड़क में केम्बर सड़क के आधा स्तर में पानी का प्रवेश रोकने के लिए दिया जाता है।
केम्बर सड़कों की सीधी लंबाई में दिया जाता है। जहां भी कर्व होते हैं वहां पर केम्बर नहीं दिया जाता है, क्योंकि कर्व पर सड़क का बाहरी किनारा जो भी आउटर कॉर्नर होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को उदासीन करने के लिए आवश्यक रूप से ऊंचा उठा दिया जाता है, जिससे वर्षा जल स्वयं ही सड़क की सतह से निचले किनारे की तरफ बह जाता है। ये पॉइंट भी आपको याद रखने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनिट्रेशन टेस्ट ऑन बिटुमिन इज यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग इट्स। यहां पर पूछा है बिटुमिन का जो पेनिट्रेशन टेस्ट होता है उससे हम किस चीज को डिटरमाइन करते हैं, बिटुमिन की ग्रेड को, विस्कोसिटी को, डक्टिलिटी को, या फिर टेम्परेचर। इससे हम डिटरमाइन करते हैं ग्रेड को, ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। पेनिट्रेशन टेस्ट द्वारा बिटुमिन की कठोरता और गाढ़ापन भी ज्ञात किया जाता है। ये बिटुमिन के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टेस्ट है। ये बिटुमिन की ग्रेड भी बताता है। ये टेस्ट बेधन मापी पेनोमीटर द्वारा किया जाता है, जो एक मिमी के दसवें भाग तक बेधन मापन कर सकता है। बेधन सुई का संगलन सहित भार जो है वो होता है 100 ग्राम। नेक्स्ट पॉइंट है, बिटुमिन एक बंधक पदार्थ है, यानी बिटुमिन एक बाइंडिंग मटेरियल है। सड़कों के ऊपरी कोट तथा पृष्ठ प्लेपन में ये गिट्टी को बांधे रखने का कार्य करता है। बिटुमिन को डामर भी कहते हैं। अगला पॉइंट है, बिटुमिन के ग्रेड को इसकी बेधन यानी पेनिट्रेशन या कंसिस्टेंसी द्वारा दर्शाया जाता है। बिटुमिन जितना गर्म होगा पेनिट्रेशन यूनिट उतनी ही ज्यादा होगी। सामान्यतः अधिक बंधन मान वाला बिटुमिन सतही प्रलेपन यानी सरफेस कोटिंग व अर्ध ग्राउटिंग के लिए तथा कम बेधन मान वाला पूरी ग्राउटिंग के लिए यूज किया जाता है। ये भी सारे पॉइंट आपको याद रखने होंगे। अगला क्वेश्चन है, लॉस एंजलिस मशीन इज यूज्ड टू टेस्ट द एग्रीगेट्स फॉर। इस क्वेश्चन में पूछा है लॉस एंजल मशीन से जो भी आपका एग्रीगेट होता है उस पर कौन सा टेस्ट किया जाता है। तो इस पर किया जाता है एब्रेशन रेजिस्टेंस टेस्ट, ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। यहां पर कुछ पॉइंट और हम कवर करके चलेंगे। पेमेंट की ऊपरी सतह में डाली गई गिट्टी का वाहनों की रगड़ से अपघर्षण होता है, अतः पत्थर को इस अपघर्षण के प्रति सामर्थ्यवान यानी स्ट्रेंथ वाला होना चाहिए। इस जांच के लिए गिट्टी का एब्रेशन टेस्ट किया जाता है। लॉस एंजल मशीन द्वारा गिट्टी का एब्रेशन रेजिस्टेंस टेस्ट ज्ञात किया जाता है। लास्ट पॉइंट है आपका, जो भी आपकी बिटुमिन सड़कें होती हैं उसके लिए एग्रीगेट का अपघर्षण मान 40% लिया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका रेलवे इंजीनियरिंग से है, स्टैंडर्ड साइज ऑफ वुडन स्लीपर फॉर ब्रॉड गेज ट्रैक इज। यहाँ पर पूछा है कि आपकी जो ब्रॉड गेज ट्रैक होती है उसके लिए लकड़ी के स्लीपर का मानक साइज क्या है। इसका मानक साइज है 274 × 25 × 13 सेंटीमीटर। यहां पर कुछ पॉइंट और हम कवर करके चलेंगे। आपकी तीन लाइनें होती हैं रेलवे में, ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज। अब यहां पर हम बात करेंगे मीटर गेज और नैरो गेज की। इनके जो लकड़ी के स्लीपर होते हैं उनका साइज होता है 183 × 20 × 11 सेंटीमीटर। आपकी जो सकरी लाइनें होती हैं उनका साइज होता है 152 × 15 × 10 सेंटीमीटर। ये तीनों पॉइंट भी आपको याद रखने होंगे। कांटे व क्रॉसिंग तथा पुलों पर बड़े माप यानी बड़े आकार वाले स्लीपर का यूज किया जाता है, और ये जो लकड़ी के स्लीपर होते हैं इनकी एज 10 से लेकर 15 वर्ष तक ली जाती है। अगर स्लीपर की परिभाषा पूछी जाए, रेल पथ यानी रेल पटरी
के दोनों समांतर रेलों के नीचे इनकी आड़ी दिशा में आधार प्रदान करने वाले तथा इन्हें स्थिर करने के लिए जो पट अवयव लगाए जाते हैं उन्हें कहते हैं स्लीपर। और स्लीपर होते कितने टाइप के हैं? लकड़ी के स्लीपर होते हैं, स्टील के स्लीपर होते हैं, ढलवा लोहे के स्लीपर होते हैं यानी कास्ट आयरन, और कंक्रीट के बने होते हैं। स्लीपर जो हैं ये रेल पथ के मुख्य घटक होते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका रेलवे इंजीनियरिंग से है। द विड्थ ऑफ ब्रॉड गेज इज, यहाँ पर पूछा है आपकी जो ब्रॉड गेज होती है उसकी चौड़ाई कितनी होती है। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा, 1.676 मीटर। अब हम यहाँ पर मीटर गेज और नैरो गेज दोनों कवर करके चलेंगे। मीटर गेज की चौड़ाई होती है 1 मीटर और नैरो गेज की होती है 0.762 मीटर। ये पॉइंट भी आपको याद रखने होंगे, ये बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चन हैं। इसके साथ में कुछ पॉइंट और हम कवर करेंगे। ब्रॉड गेज में रेल की लंबाई और मीटर गेज में, ब्रॉड गेज में रेल की लंबाई होती है 12.80 मीटर और मीटर गेज में 11.89 मीटर। स्टील का प्रसार गुणांक होता है 11×10^6 प्रति डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन हाइड्रोलिक से है। ए फ्लड विच इज इनकम्प्रेसिबल एंड इज हैविंग नो विस्कोसिटी इज, यहाँ पर पूछा है ऐसा कौन सा तरल है जो असंपीड्य होता है और उसमें श्यानता नहीं है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, न्यूटोनियन फ्लड, नॉन न्यूटोनियन फ्लड, आइडियल फ्लड और रियल फ्लड। इन्हें कहते हैं आइडियल फ्लड। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। आदर्श तरल यानी आपके आइडियल फ्लड को दबाया यानी प्रेस नहीं किया जा सकता और इसमें पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी के गुण नहीं होते हैं। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए परफेक्ट फ्लड के नाम से और किसे जाना जाता है, तो जाना जाता है आइडियल फ्लड को। वास्तव में कोई भी तरल आदर्श तरल नहीं होता है, परंतु प्रायोगिक दृष्टि से जिन तरलों के लिए श्यानता का मान बहुत कम होता है उन्हें आदर्श तरल माना जाता है। आदर्श तरल वे होते हैं जो अपने संपर्क में किसी भी सतह के प्रत्येक स्थान पर सतह के लंब रूप ही दाब लगाते हैं। यह आदर्श तरल वे होते हैं जो अपने किसी भी कण के विस्थापन में कोई प्रतिरोध प्रस्तुत नहीं करते। व्यवहारिक तरल वे हैं जो अपने किसी भी कण के विस्थापन में कुछ न कुछ प्रतिरोध अवश्य प्रस्तुत करते हैं। इन्हें वास्तविक तरल भी कहते हैं। आज हमने यूपी SSSC JEE सिविल इंजीनियरिंग के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 5 कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।